और हम पाकिस्तान के बंदों से हाय हेलो भी कर सकते हैं। तो गाइज ऐसा एक ब्रिज आता है, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें आगे जाके पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो गाइज बहुत तेज भूख लग रही थी, अब मैं तो भाई मैगी अपनी बना लाया हूँ। यहाँ से पाकिस्तान के पूरे जितने भी शहर हैं, मतलब जो बड़े बड़े, उनका पूरा एड्रेस वो किलोमीटर बताए हैं। क्यों दिखता है पाकिस्तान पूरा? पूरा दिखता है। स्वादिष्ट मैगी खाओगे दीवाने हो जाओगे मेरे हाथ से खाली जिस दिन मैगी। तो भाई ध्यान रखना कैसी है ये किरण वैली के सामने वाला जो अपोजिट साइड पाकिस्तान का, वो आपको भी पूरा रूबरू उर्दरू देख लो। हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं हूँ आपका अपना कमल पाजी, आपका वेलकम है एक और नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में एंड किया था कि यार हम आपको बताएंगे इंडिया पाकिस्तान, आमने सामने से पाकिस्तान को दिखाएंगे, तो अब मैं फाइनली उसी डेस्टिनेशन पे केरान वैली जिसका कि नाम है वहाँ मैं आ चुका हूँ। अब मैं आपको पूरा यहाँ का जो भी डिटेल्स होंगी वो सब बताऊंगा। लास्ट व्लॉग को मैंने इसलिए जरा एंड कर दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा व्लॉग हो रहा था, तो अब मैंने कहा चलो इस व्लॉग में आपको पूरी डिटेल्स दी जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा कि आमने सामने से पाकिस्तान दिखाया जाएगा। तो चलो कंटिन्यू रहना, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे भी हमें कमल पाजी के नाम से। तो चलो मिलेंगे आपसे आगे, आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइज ऐसा एक ब्रिज आता है, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें आगे जाके पाकिस्तान देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ का बॉर्डर है वो आमने सामने देखने को मिलेगा। अब हम चल रहे हैं आगे, ये देखो नदी कैसी बढ़िया, मज़ा आ रहा है, नदी का व्यू देखो आप, इतनी अच्छी नदी चल रही है, लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक करा रहे हैं बढ़िया आराम से। अलग ही व्यू है यार, ये नदियों में तो वैसे भी आके अलग ही व्यू हो जाता, माउंटेन्स में आके अलग ही व्यू एंजॉय करता आदमी। ये हमारा हनीमून कपल कैसे है गाइस? अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा। हाँ भाई मजा आ रहा है फिर यहाँ पे, बहुत मजे आ रहे हैं। लेकिन यार सच में जो अपन ने रास्ता देखा उस रास्ते के बाद ये नदी की ब्यूटी, पहाड़ पूरा देखने में मजा बहुत आ रहा है यार सच में, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये बताना, जो फीलिंग्स है ना वो शेयर नहीं कर सकते, बट बहुत अच्छा लग रहा है देख के यार। नदी देखो आप, तो ये देखो नदी कितनी तेज चल रही है गाइस, मतलब यहाँ पे भी हमें ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है। तो आइए अब यहाँ पे और लोग भी कुछ आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। क्यों दिखता है पाकिस्तान पूरा? पूरा दिखता है। अच्छा वो सामने से उधर से है, पाकिस्तान ही है पूरा, तो वहाँ पे मतलब उनसे बात बात हो जाती है? करते हैं। अरे क्या बात है यार, चलो थैंक यू। चलो तो चलो गाइस हमें मिल गया है भाई, आगे बता रहा है लड़का छोटा, तो कह रहा है दिखते जरूर है पाकिस्तान वाले, हेलो भी हो जाएगी। तो बिल्कुल अब तो यार क्यूरियोसिटी ऑन पीक है कि कैसा दिखेगा यार। चलो अब जाते हैं हम और पास में, और वहाँ जाके सामने बिल्कुल जस्ट अपोजिट में पाकिस्तान दिखेगा हमें। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूँ कि कुछ भी ऐसा नो फिल्टर, मतलब फेंसिंग कुछ भी नहीं है इसके अंदर बीच में, और हम पाकिस्तान के बंदों से हाय हेलो भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने सुना, अभी जो लोग आए वो बता रहे हैं कि आप उनसे हाय हेलो कर सकते हो, वो आपको देख पाएंगे, आप भी उनको देख पाओगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो कंटिन्यू रहो वीडियो में, अभी जाके देखते हैं आगे। गाइस यहाँ पे एक भाई मिला हमें, एक हमारा मित्र प्रेमी बन गया है वो, तो वो हमारा भाई एक हमें ना फोटो क्लिक करके दे रहा है DSLR से। ये देखो ये चल रहा है यहाँ पे, फोटो वोटो क्लिक करवाए जा रहे हैं। मैं सही, मैंने कहा भाई शेयर कैसे कर दोगे, कह रहा यार कोई टेंशन ना लो आप, तो मैं तो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप जो भी टेलीग्राम कर देंगे। तो चलो थोड़ा सा फोटो वोटो क्लिक करा के एंजॉय कराया जाए। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि यार इंडिया की कनेक्टिविटी कितनी आगे बढ़ चुकी है यार सच में, आप बताओ। इतनी लास्ट में इंडियन पोस्ट ऑफिस, वाओ ये होती है बात यार, इंडियन पोस्ट ऑफिस देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पे यार बिल्कुल लास्ट डेड एंड है, यहाँ से बिल्कुल जस्ट अपोजिट में पाकिस्तान है बस। वहीं हमें आगे जाके अभी आपको दिखाऊंगा,
बट आप ये देखो कि यार इंडियन पोस्ट ऑफिस तक यहाँ बना हुआ है यार, लिटरली यार मजा आ गया देख के। तो गाइस अब ये देखो आप, यहाँ से पाकिस्तान के पूरे जितने भी शहर हैं, मतलब जो बड़े बड़े, उनका पूरा एड्रेस वो किलोमीटर्स बताए हैं ये कितनी दूर है। कराची 1755, इस्लामाबाद 407, रावलपिंडी जहाँ से हमारा शोएब अख्तर आता है 408 किलोमीटर, तो ये पूरी डिटेल बताई है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमारा इंडियन पोस्ट का एक फोटो बूथ बना हुआ है फोटोशूट के लिए। और फिर यहाँ पे हमारे ये दिल्ली, जयपुर, आगरा, चंडीगढ़, मतलब दिल्ली 930 और हमारा ग्वालियर यहाँ से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर और, तो मतलब ये हमें वापस जाने के लिए ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की, 1400 ही ना, हाँ मतलब 1350-1400 किलोमीटर की जर्नी अभी हमें कंप्लीट करनी होगी। तो चलो अब आगे चल रहे हैं और आपको बिल्कुल पाकिस्तान आमने सामने से दिखाते हैं। तो गाइस बहुत तेज भूख लग रही थी, ये लोग तो बहुत टाइम लगा रहे थे, मैं सोच रहा हूँ खुद ही जाके बना के लाऊं। चलो हेलो जी, मैगी बन गई है हमारी, मैं बनाऊं यार, लाओ स्वादिष्ट मैगी खाओगे दीवाने हो जाओगे मेरे हाथ से खा ली जिस दिन मैगी, तो भाई ध्यान रखना बस अभी खिलाते हैं। है? अरे टेस्टी, इतनी टेस्टी तुमने खाई नहीं होगी पूरे यार हिंदुस्तान में, कैसी बात कर रहे हो यार भाई, यार इतना बढ़िया बनाया, मसाले डाले हैं जबरदस्त ये मेरा काम में डिफॉल्ट कर दिया, तुमने परेशान कर दिया यार। तो गाइस बहुत तेज भूख लग रही थी, अब मैं तो भाई मैगी अपनी बना लाया हूँ, जोक सा पार्ट भाई उन्होंने बनाई है, मैं तो मजाक कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि बस ये खा के आपको पूरा लाइव दिखाएंगे कि कैसी है ये किरण वैली के सामने वाला जो अपोजिट साइड पाकिस्तान का, वो आपको भी पूरा रूबरू उर्दू देख लो, उर्दू देख लो भाई की, देख रहा भाई उर्दू देख रहा मेरी तो बस आपको वहां जाके अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं, बस कुछ खा लेंगे, भूख बहुत तेज लग रही थी यार। तो फाइनली गाइस वो डेस्टिनेशन आ चुकी है जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि मैं आपको सामने अपोजिट में पाकिस्तान दिखाऊंगा। सच में यार अब आपको व्यू दिखाने लगा हूं भाई साहब, ऐसा व्यू है ना आप देख के दंग रह जाओगे यार, सच में इतना सुपर्ब लग रहा है और इतने प्यारे लोग लग रहे हैं यहाँ के। तो देखिए अब यहाँ से हम दिखाने लगा हूं आपको, ये देखो आप जस्ट सामने ये नदी चल रही है और इसके जस्ट सामने हमारे सामने पूरा पाकिस्तान है। जूम करके बताता हूँ आपको मैं, ये देखो ये सारे पाकिस्तान भाई हैं अपने, मैं हाथ हिलाता हूँ, देख रहा अभी मैं हाथ हिलाऊंगा तो देखते रिस्पॉन्स भी करेंगे। हेलो हेलो, वो देखो आप वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये देखो देख रहे हो, ये देखो ये पूरे अपने पाकिस्तान भाई है सारे। और बताओ गाइस कभी ऐसा व्यू देखा आपने इतने पास से, कभी देखा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग अभी लाइव सामने बिल्कुल जैसे हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं वैसे वो लोग भी वहां एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग हमें देख के खुश हो रहे हैं, हम उनको देख के खुश हो रहे हैं यार। और बिल्कुल भाईचारा बना हुआ है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। अब आप बताओ मतलब इतने पास में बॉर्डर साथ होने के बाद कोई फेंसिंग्स नहीं है यहाँ पे, कोई फेंसिंग्स नहीं है, उसके बाद भी मतलब बंदा इतना प्यार से रह रहे हैं यार, मतलब सच में टू गुड यार, बहुत ही अच्छा गेस्चर लग रहा है अभी यहाँ से इन लोगों को देख के कि इतना अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है आमने सामने दोनों तरफ से एक दूसरे को। देखो यार आप यार मतलब अलग ही व्यू आ रहा है यार, और मतलब व्यू तो क्या अलग ही फील है यार, ये इस फील को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम वर्ड्स में यार, जो यहाँ का भी वेदर हो रहा है, जो नदी का व्यू है, सामने पाकिस्तान है, मतलब सच में यार ये ये ड्रीम होता है कि यार कभी आप देख पाओ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के पब्लिक को, पाकिस्तान की आवाम को। देख रहे हो भाई की उर्दू देख लो भाई तो ये सामने ही है हमारे जस्ट सामने। अब अच्छा मैं यहाँ से, ये हमारी केरन वैली है, अब मैं सामने पूछता हूँ मतलब यहाँ किसी लोकल से वो बता सके कि उनकी साइड से वो वैली या जो स्पॉट है उसका नाम क्या है, तो हम पता करते हैं अभी यहाँ पे। बाबूजी ने हमें वो भी बताया अभी कि ये जो केरन वैली अपने यहाँ इंडिया में है और अपोजिट साइड बाबूजी इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको भी केरन भी बोलते हैं और वादी नीलम भी बोलते हैं। अच्छा केरन, उसको भी केरन बोलते हैं और नीलम वैली भी बोलते हैं उस सामने वाली अपोजिट साइड को, मतलब पाकिस्तान में वो केरन, अगर जैसे कोई सर्च कर रहा हो यूट्यूब पे तो नीलम वैली सर्च करोगे आप तो आपको इजिली
नीलम वैली पाकिस्तान डालना तो यही स्पॉट मिलेगा आपको, या किरण वैली या नीलम वैली पाकिस्तान। तो चलिए गाइस अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ के क्या नजारे हैं, अब जाके आगे ऑब्जर्व करते हैं उनको। गाइस यहाँ पे हमें एक छोटा भाई मिला हमारा जो कि बहुत खुश हो गया मुझे देख के। क्या नाम है भाई तुम्हारा? रोमान। रोमान है भाई हमारा। कहाँ रहते हो तुम? मैं रहता हूँ श्रीनगर में। श्रीनगर से? श्रीनगर से घूमने आए हो स्पेशल? घूमने आए हो? तो आज ही आए हो? आज ही आया हूं। तो कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार आए हो? पहली बार आया। अरे तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान देख के सामने? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सीधे यहाँ से दिखाई दे रहा है और लाइव दिख रहा है ना? लाइव दिख रहा है सीधे यहाँ पे। बिल्कुल भाई, चलो ठीक है रोमान, चलो बिल्कुल मिलेंगे फिर आगे कभी। ठीक है, इतना गड़बड़ हो गया है, ये देखो आप इतनी तेज चल रही है, ये देखो इससे आपको आइडिया होगा हमारी तेज चल लगी है। आंधी भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी जो धूल मिट्टी है वो भी उड़नी स्टार्ट हो गई है, पानी का भी फ्लो ज्यादा तेज हो गया है। अच्छा वो देखो, ये भी इनका वहां सामने से कश्मीर पाकिस्तान ही है, ये देखो ये लिखा हुआ है सामने, ये दिखाऊं मैं आपको, कश्मीर इन पाकिस्तान है, नहीं कश्मीर हैशटैग पाकिस्तान, ये देख पा रहे होगे आप। कैसा लग रहा है गाइस? सच सच बताना, पहले कभी ऐसा व्यू देखा है? सच सच बताना कैसा लग रहा है यार। तो ये देखो, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं ऊपर से भी, ये भी पूरा पाकिस्तान का एरिया है, ये पूरे पाकिस्तान के घर बने हुए हैं, ये पूरे ऊपर जो बिल्डिंग में आपको दिख रहे होंगे ये पूरे पाकिस्तान के घर है, पूरे ऊपर ये बादल, पूरे बादल आए हुए हैं पूरे, मतलब यार लिटरली अलग ही एक्सपीरियंस है यार, यार बहुत सही लग रहा है यार सच में। बस अब एक बार हमको थोड़ी इनकी, मेरे को क्यूरियोसिटी एक चीज और है, अगर मैं इनकी गाड़ियां देख पाऊँ, अगर मेरे को इनकी गाड़ी देखने को मिल जाए तो वो पहले इनकोड हो जाएगा। वो सामने शायद दिख रही है, तो थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी गाड़ियां कैसी है। तो ये देखिए गाइस आप, यहाँ पे लोग कैंपिंग भी करने आते हैं आराम से, यहाँ पे जो मैंने अभी वो टेंट वो देखिए, वो टेंट हाउस बने हुए हैं, यहाँ पे रुकते भी है, स्टे भी कर सकते हो आप यहाँ पे नाइट में, और यहाँ पे मतलब अपना फूड वूड बना सकते हो, जो कर रहा हो वो कर सकते हो आप, मतलब फुल एक मतलब इंजॉयमेंट स्पॉट बना हुआ है ये, बहुत अच्छा लगा देख के यार। और बाकी मैं आपको इसकी रेट लिस्ट जो भी है वो भी पता करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि जैसे मैगी वो एग चाय इनका क्या प्राइस होता है, ये सब मैं आपको मैंशन कर दूंगा, कि जिससे यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जब कोई आएगा तो उसको ये क्लियर हो जाएगी भाई क्या उसका प्राइस है, कि खाने पीने का जैसे जो हम रहते हैं, और ये जो टेंट हाउस बना हुआ है उस पर रहने का क्या चार्जेस है, ये मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। गाइस अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इनकी गाड़ियां ढूंढ रहा हूँ, जो थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि मैं इनकी गाड़ियां देख सकूं कि इनकी गाड़ियां कैसी है, तो एक दो मुझे शायद दिख रही है दूर से, तो मैं जूम करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसी गाड़ियां हैं यहाँ की। ये रहा ये, आई होप क्लियर आ रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब ग्रीन कलर की वो गाड़ी चल रही है, गाड़ियां भी ऑटो चल रहा, ऑटो रिक्शा गाड़ियां तो ऑलमोस्ट सेम ही है, वो एक ग्रीन कलर की वो जीप चल रही है, ये कौन सी है भाई, तो कोई एसटीम उस्टीम लग रही है अपने यहाँ की, तो एसटीम लग रही है मुझे, ये गाड़ियां खड़ी हुई है देख पा रहे होगे आप। चलो गाइस गाड़ियां भी यहाँ की होगी, और अब टाइम हो चुका है यहाँ से अलविदा कहने का, यहाँ से चलने का, तो अब यहाँ से जाएंगे अपनी गाड़ी पे भी पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा और वहां से निकलने में काफी टाइम लगेगा, तो चलो अब यहाँ से चेकआउट की, चेकआउट मतलब यहाँ से जाया जाए और फिर आगे जाके देखते हैं कि अब कहाँ जाएंगे क्या क्या होगा, क्योंकि टाइमिंग हम सुबह निकले हैं 6 बजे 6:15 की, और अब मैं आपको बताऊं तो अब टाइम हो रहा है 1 बज गया, आप घड़ी में 1 बज रहे हैं, 6 बजे 1 बजे हम यहाँ हो चुके हैं, और इसके बाद हमें जाने में भी अभी वो मतलब जो सरफेस अच्छे सरफेस पे अच्छे जगह पे पहुँचने में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, तो चलो अब चल रहे हैं वहाँ पे, मिलेंगे आपसे आगे जाके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय, टेक केयर फ्रॉम कमल पाचे।